तो मैं मेन एक्टर हूँ, तो मेरे ऊपर ही फिल्म बन रही है लाला। अभिनेत्री है चित्रंगदा सिंह, एक इटालियन फिल्म मेकर डॉक्यूमेंट्री बनाने आता है और वो इस बच्चे को मिलता है जिसका नाम है लाला, तो वो कहानी है। आपका नाम बताएंगे पहले? मेरा नाम आर्यन बड़कुल है। आप परिक्रमा जो शूटिंग हो रही है, फिल्म बन रही है, उसमें आपका क्या रोल है? तो मैं मेन एक्टर हूँ, तो मेरे ऊपर ही फिल्म बन रही है लाला, मेरा मतलब मूवी में नाम है लाला बस, और मैं पूरा हाँ मतलब वो स्टोरी लाइन का मूवी में ही दिख जाएगी। आप अमरकंटक में कितने दिन से शूटिंग कर रहे हैं? अमरकंटक में मेरा पाँच दिन। आज अंतिम है? आज अंतिम है। बिल्कुल, अंतिम दिन कहाँ शूटिंग हुई आपकी? आज हमारी हुई एक जंगल में, पता नहीं नाम नहीं पता मुझे। एक जंगल में हुई मेरी तो वहाँ पे। अच्छा, आप तो एक बॉयज है, इसमें कोई हीरोइन भी है? हाँ। क्या नाम है उनका? नाम चित्रांगना सिंह। कहाँ से है वो? वो मुझे नहीं पता। अच्छा। मुंबई है मोस्टली। दिल्ली रहती है, मुंबई में वर्किंग प्लेस है संभवतः। जी जी जी। चलिए, आपके मम्मी पापा साथ में हैं? हाँ, मेरी मम्मी साथ में हैं। अच्छा अच्छा। जी सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम जितेंद्र अडप्पा है, मैं इस फिल्म का वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हूँ। हम ये एक इंडो इटालियन फिल्म है, इसमें एक इटालियन प्रोड्यूसर है और इंडिया के की तरफ से मैं, सुकांकन एंड संदीप, हम तीन प्रोड्यूसर्स हैं। और जैसे कि मैंने कहा, एक इंडो इटालियन फिल्म है, बेसिकली इटालियन बुक थी उसके ऊपर बेस्ड है, द स्टोरी ऑफ लाला एक इटालियन बुक थी, उसके ऊपर बुक है मतलब, उसके ऊपर ये फिल्म बेस्ड है। डायरेक्टर फिल्म के हैं गौतम घोष, जो कि बहुत प्रख्यात नामचीन, मतलब उन्होंने 15-16 नेशनल अवार्ड्स जीते हुए हैं। एंड फिल्म में भूमिका में मतलब अभिनेत्री है चित्रंगदा सिंह, जो मतलब इंडिया की तरफ से मतलब इंडियन हीरोइन है, और इटालियन एक्टर मार्को लियोनार्डी, जो मेल लीड समझो, मतलब उनको मेल लीड ही समझो, बट ये एक टिपिकल फेस्टिवल आर्ट हाउस काइंड ऑफ फिल्म है, जिसमें हीरो हीरोइन और जो एक फार्मूला कमर्शियल फिल्म में होता है वैसा नहीं है। कहानी एक बच्चे की है लाला की, तो लाला से तो आप शायद इंटरव्यू में मिल ही चुके हैं, आर्यन नाम है लड़के का, वो इंदौर का ही लड़का है, और हम ये अमरकंटक में लास्ट 4-5 दिन से शूट कर रहे हैं। हम पूरी मध्य प्रदेश में नर्मदा को, बिकॉज फिल्म का नाम है हमारा परिक्रमा, तो नर्मदा का परिक्रमा जो होता है वो सिम्बोलिज्म है, तो एक इटालियन फिल्म मेकर डॉक्यूमेंट्री बनाने आता है और वो इस बच्चे को मिलता है जिसका नाम है लाला, तो वो कहानी है। तो हम ऑल ओवर इंदौर, यानी ऑल ओवर मध्य प्रदेश, अमरकंटक, बेड़ाघाट, महेश्वर, ओंकारेश्वर से बताएंगे सर। अमरकंटक में स्टार्टिंग है। अब अमरकंटक के बाद में फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे, सेकंड फिर थर्ड, ऐसा सीरियल? हमारी शुरुआत हुई है अमरकंटक से, उसके बाद हम जाएंगे बेड़ाघाट। इनफैक्ट अब हम निकल रहे हैं मंडला के लिए, जहाँ पे शस्त्रधारा में एक दिन का शूट है, मतलब आधा दिन का। उसके बाद हम जाएंगे बेड़ाघाट, 2 दिन वहाँ पर है। उसके बाद हम जाएंगे महेश्वर, वहाँ पे 2-3 दिन करेंगे। फिर ओंकारेश्वर 2-3 दिन करेंगे। फिर हनुमंतिया जाएंगे, और लास्ट में हम बड़वानी में हमारा क्लाइमैक्स 6 दिन का शूट होगा, 5 से 6 दिन का। तो ये पूरी टीम कितने की संख्या में होगी? हम लगभग 100-120 लोग हैं। अच्छा अच्छा। और मध्य प्रदेश टूरिज्म जो फिल्म पॉलिसी है, उसका हमें बेनिफिट तो ज़रूर मिल रहा है, बट उनसे जो सपोर्ट मिल रहा है मध्य प्रदेश टूरिज्म से, जो सपोर्ट मिल रहा है, मतलब अनबिलीवेबल है। वो कुछ बोलो उनको तो मतलब एक 5 मिनट में, लिटरली 5-10 मिनट में रिस्पॉन्ड करते हैं। वेरी फास्ट, वेरी एफिशिएंट, मतलब शॉकिंग है। इतना अच्छा रिस्पॉन्स मैंने कभी कोई गवर्नमेंट बॉडी से, इतना फास्ट रिस्पॉन्स देखा नहीं है। और ये मैं सिर्फ मध्य प्रदेश में वो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, वो सच में है, शायद मुझे लगता है, और मैं नया नहीं, एवरी प्रोड्यूसर से इज दैट। मुंबई में हर प्रोड्यूसर वही बोलता है, मध्य प्रदेश टूरिज्म फिल्म पॉलिसी इज़ द बेस्ट, वो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे मुलाकात किए, और हम आप हमारे अमरकंटक के लिए भी एक नाम रोशन करने का स्थान है, आपके फिल्म के माध्यम से दूर दराज तक ये नाम जाएगा,
और हम लोग भी जो है तो इसे देखेंगे, प्रयास करेंगे। और जैसे हमारी जनता जनार्दन भी ये बनने वाली परिक्रमा जो नर्मदा जी की फिल्म है, ये फिल्म कहें या परिक्रमा के नाम से जो भी धार्मिक फिल्म बनेगी, इसे आप देखेंगे और हमारे सर जो है सर अमरकंटक को हमारी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बहुत फेमस है। लोग नर्मदा मैया के चक्कर में आते हैं और आते ही रहेंगे, और ये तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। नहीं, बहुत, बहुत।